दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। रोमियो स्क्वाड कहीं नहीं है, सारे कसाई खाने उन्होंने लाइसेंस ही कर दिए, यानी इन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे वो कर नहीं पाए। साल भर होने को हो जाएगा, राम मंदिर के तो पाए नहीं अभी तक डले हैं, जमीन घोटाले निकल रहे हैं, प्रेशर कॉलम टूट गए हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि राम ने मना कर दिया है कि मेरे को यहाँ नहीं, मैं यहाँ पैदा ही नहीं हुआ था, ये तो मेरा सोचना है और मैं हिंदू हूँ, मेरा अधिकार है बोलने का। भारतीय मोदी की शक्ल पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा 2017 में, इसमें करीब करीब 2.25 करोड़ वोट जो थे वो सपा और बसपा और कांग्रेस के टूट के आए थे। योगी को हटाने और मौर्य या किसी और निचली जाति के व्यक्ति को बिठाने में आरएसएस नाकाम हो रही। 1.25 करोड़ वोटर जो समाजवादी पार्टी का टूट के बीजेपी को वोट कर रहा था 2017 में, वो वापस आ रहा है। देश का माहौल खराब करना तो देशद्रोहियों का काम होता है अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए, लेकिन जनता ऊब गई है। गांव देहात में जाके उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, अनाज नहीं है खाने के लिए, पैसे नहीं है जीने के लिए, चिताओं को आग लगाने के लिए पैसे नहीं है, लकड़ी नहीं है, नदियों में बहाया जा रहा। ये अपने आप में कुछ सूचक है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों आज हम बात करेंगे निशांत वर्मा जी से, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अक्सर कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो गोदी मीडिया आपको नहीं बताता, लेकिन गोदी मीडिया में जाकर वो मुद्दे जो है आपको स्टूडियो में निशांत वर्मा जी बताते रहते हैं। कई न्यूज़ चैनल्स के अलावा इनके सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे। निशांत जी, जिस तरीके से आप लखनऊ जाकर आए, वहाँ पर जो उठा पटक चल रही है और अब तो कई सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिरकार बीजेपी वहाँ क्या कर रही है, योगी ईशा मोदी इनके बीच में जो चल रहा है, लेकिन इसी बीच ये लग रहा है कि साइकिल जो है वो फर्राटे से भाग रही है। आपने क्या देखा लखनऊ में जब आप गए, आपने लोगों से बात की, तो आपका असेसमेंट आपका क्या कहता है लखनऊ में, क्या यूपी में क्या होने वाला है? अब थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, तो उसकी बात भी थोड़ा सा। बिल्कुल, 2017 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था उत्तर प्रदेश में मोदी की शक्ल पे। उस समय वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं रखा था। जब पूर्ण बहुमत मिल गया उसके बाद वहाँ पे एक रस्साकशी हुई जिसके चलते आखिर में योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री के पद के दावेदार बन के खुद प्रधानमंत्री मोदी को मिलने गए तब उनके आशीर्वाद से उन्हें बनाया गया। इस बात से आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब सरकार तो चलानी थी तो चलाई। एक डिप्टी सीएम बनाया दिनेश शर्मा जो कि ब्राह्मण है और दूसरा केशव प्रसाद मौर्य जो कि निचली जाति से है। लेकिन इतना करने के बाद भी योगी आदित्यनाथ अपना घोड़ा दौड़ाते रहे और अपना ही नाम चमकाते रहे। रोमियो स्क्वाड से लेके कसाई खाने तक एक भी वादे पे ये खरे नहीं उतरे। रोमियो स्क्वाड कहीं नहीं है, सारे कसाई खाने उन्होंने लाइसेंस ही कर दिए, यानी इन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे वो कर नहीं पाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का निर्णय आया, भारतीय जनता पार्टी अपने नाम उसको करने की कोशिश कर रही थी। आज बहुत समय हो गया है, साल भर होने को हो जाएगा, राम मंदिर के तो पाए नहीं अभी तक डले हैं, जमीन घोटाले निकल रहे हैं, प्रेशर कॉलम टूट गए हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि राम ने मना कर दिया है कि मेरे को यहाँ नहीं, मैं यहाँ पैदा ही नहीं हुआ था, ये तो मेरा सोचना है और मैं हिंदू हूँ, मेरा अधिकार है बोलने का, भारतीय। लेकिन इन सब बातों के चलने के चलते 1.5 से 1.25 साल से कोरोना काल चल रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को और बेरोजगार बनाया, किसानों को और परेशान किया, दलितों की तो हालत ख़राब, एससी एसटी को तो पूछिए मत, मुसलमानों का सब जानते हैं क्या हुआ, और तो और वहाँ ब्राह्मणों की जो दुर्दशा करी, तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह नाखुश है। और उसका सबसे बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ है, और जानते हैं क्यों सहल भाई? क्योंकि योगी आदित्यनाथ आरएसएस का आदमी नहीं है, वो ओरिजिनली हिंदू महासभा का है और उसके बाद हिंदू युवा वाहिनी चलाता है। बिल्कुल, अब ये परिस्थिति है। और ये मैं अभी हाल में वैसे उत्तर प्रदेश का दौरा करके आया जिसमें लखनऊ भी गया था, निकल के ये आ रहा है कि हिंदुओं के अंदर क्षत्रिय और ब्राह्मण का नाटक
जो भारतीय जनता पार्टी इस समय वहां करके दिखा रही है और गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं वो इसको इनकैश कर रहा है, भुना रहा है, हवा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा। असलियत ये है, मैं 25 जिलों का दौरा करके टोटल आया हूं पिछले 2 महीने में, निकल के ये आ रहा है कि 2017 में बसपा को 2 करोड़ वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 2 करोड़ वोट मिले थे 2017 के विधानसभा इलेक्शन में, और भारतीय जनता पार्टी को 3.5 करोड़ वोट मिले थे। पूरे उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ वोटर हैं। ये जो 3.5 करोड़ वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को मोदी की शक्ल पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा 2017 में, इसमें करीब करीब 2.25 करोड़ वोट जो थे वो सपा और बसपा और कांग्रेस के टूट के आए थे, और इनमें अधिकांश वोटर दलित एससी एसटी ओबीसी था जो सपा और बसपा को छोड़ के भाजपा को वोट दे गया। अब यहां पे एक नया खेल उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, वो खेल ये है कि 65% से ज्यादा मतदाता उत्तर प्रदेश का एससी एसटी ओबीसी और दलित है। बिल्कुल, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय की नौटंकी वहां चल रही है ये सिर्फ ऊपर छल्ला चीज है। अब वहां का एससी एसटी ओबीसी कहता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो हमारा होना चाहिए, यानी वो केशव प्रसाद मौर्य को लाने की कोशिश में है। पेंच कहां फंसा है, और अभी मैं भाजपा पे ही हूं, पेंच ये है कि वहां पे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ। आप ऐसे हिंदूवादी को, सिटिंग सीएम को, आप कैसे चेहरा नहीं बनाओगे आगामी चुनाव के लिए, और कैसे आप केशव प्रसाद मौर्य जो कि दलित या निचली जाति से, माफ कीजिएगा, है, आरएसएस कैसे उनको अपने आगे बढ़ा सकती है। पेच ये है कि योगी को हटाने और मौर्य या किसी और निचली जाति के व्यक्ति को बिठाने में आरएसएस नाकाम हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम नेता नरेंद्र मोदी से हाल में योगी आदित्यनाथ मिल के आए 2 दिन, मोदी के पास, अमित शाह के पास, नड्डा के पास, मारे मारा फकीर फिर रहा था। बॉडी लैंग्वेज भी काफी अलग नजर आ रही थी इस बार, जो फोटोज आए थे उसमें। मारा मारा योगी आदित्यनाथ फकीरों की तरह इसलिए घूम रहा था कि या तो मुझे बनाओ नहीं तो मैं अलग तोड़ दूंगा, क्योंकि याद रहे 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बिल्कुल कुछ ना, कोई स्टेटमेंट आया ना योगी आदित्यनाथ की तरफ से ना भाजपा की तरफ से, बिल्कुल नौटंकी चल रही है। राजनाथ सिंह ने लेकिन कहा कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। वो राजनाथ सिंह ने नहीं कहा है, वो स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं। और स्वाभाविक सी बात है, वो स्वतंत्र देव सिंह हैं, ये अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ हैं, ये ठाकुर ठाकुर लॉबी है, तो स्वाभाविक सी बात है। और जहां तक स्वतंत्र देव सिंह की बात करते हैं, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, क्या कीमत है, बेचारे एक एमएलसी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एमएलसी भी होता है एमएलए के साथ साथ, ये तो इलेक्शन नहीं जीत पाते, ये बेचारे किसी को क्या बनाएंगे। तो वहां पे ये टूट है, और ये बहुत बड़ी भाजपा के अंदर वहां टूट है, और इसका स्ट्रेट फायदा, सीधा फायदा, अब मैं दूसरे पहलू पे आता हूं, वो मिल रहा है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अमूमन जो 1.25 करोड़ वोटर जो समाजवादी पार्टी का टूट के बीजेपी को वोट कर रहा था 2017 में, वो वापस आ रहा है, क्योंकि ये है कि भाई हमारा चेहरा होना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ भी करके नहीं दिया। प्लस बसपा जो है, मायावती कोई एक्शन नहीं ले रही है, और उनका जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी की तरफ टिल्ट हो रहा है। यानी हमेशा ये रहा है कि बसपा को अपना वोट परसेंटेज जो होता है उसको मिलता रहता है, सीट हमेशा ऊंची नीचे होती है। दूसरा यहाँ पर एक फैक्टर कि आप चंद्रशेखर रावण को कुछ मानते हैं कि जो वोट बीएसपी का कट कर जो गया था बीजेपी में वो वापस बीएसपी में नहीं जाएगा, वो चंद्रशेखर रावण की तरफ कुछ थोड़ा सा आपको लग रहा है कि माइल हो रहा है उस तरफ? नहीं, इसको लार्जर लेवल, चंद्रशेखर रावण कोई ऐसे पार्टी या व्यक्ति नहीं है जो लंबी रेस का घोड़ा इस समय, लंबी रेस का घोड़ा जो है वो है स्वर्गीय कांशीराम जी। याद रहे कि समाजवादी पार्टी स्वर्गीय कांशीराम और माननीय मुलायम सिंह यादव ने बनाई थी। बिल्कुल। आज की तारीख में हम जानते हैं कि लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती ने अलग बसपा बना ली थी। बिल्कुल। लेकिन ओरिजिनली देखा जाए तो मुलायम सिंह और कांशीराम ये हैं एससी एसटी ओबीसी दलित के रखवाले उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। अब
जब मायावती कोई एक्शन नहीं ले रही हैं, उनके लोग अपने चल के सभा पे जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी बाकायदा टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो बसपा का जो वोटर है वो कांशीराम को वोट देगा, और कांशीराम तो सपा के भी हैं और बसपा के भी हैं। तो ये जो शिफ्ट है ये आपको सडनली करीब करीब 2 से 2.25 करोड़ एक्स्ट्रा वोट समाजवादी पार्टी को खास करके वेस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी में दिलाएगा, और जो पूर्वी यूपी जो है उसमें कांग्रेस खेल खेलती हुई मिलेगी। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के कोई बहुत ज्यादा नंबर आ जाएंगे, लेकिन वो पहले के मुकाबले बढ़ेगी और वो साथ में जाएगी समाजवादी पार्टी के, अगर आगे पोस्ट पोल अलायंस की आवश्यकता पड़ी तो। अच्छा, तो दूसरा, जैसा आपने बताया कि वहाँ पर ठाकुर, दलित, ओबीसी, ये आपने जो चीज़ें बताई, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मुस्लिम फैक्टर भी एक रहता है, मुस्लिम जो वोट होता है। आपने जैसा कहा कि फर्राटे से साइकिल दौड़ेगी अखिलेश यादव को लेकर, दूसरा आपने कहा कि कांग्रेस भी जो है पहले से थोड़ा सा रिवाइव करेगी, लेकिन जो मुस्लिम वोट है वो आपको क्या लगता है, क्योंकि ओवैसी भी वहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में लगे हुए हैं, वो अपना एक अलग ही बनाने में लगे हुए हैं अलायंस, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों के सामने एक बार फिर से थोड़ा सा तजब्जुब वाला मामला रहेगा बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या ओवैसी का जो बनेगा गठबंधन उनका वहाँ। बहुत बेहतरीन सवाल है आपका, और ये पिछली बात से ही निकल के आता है। पहली चीज़, मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, वो कहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कोई 100, 200, 500 कर दे तो वो एक बात अलग है, लेकिन ऑन एन एवरेज मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को और ऐसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो नहीं करता। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचे, मुसलमानों के पास ऑप्शन बचे कांग्रेस, समाजवादी और बसपा। मैं और किसी भी न्यू एंट्रेंट को वहाँ पे इसलिए जगह नहीं देता क्योंकि ग्राउंड वर्क नहीं है, ऐसे ही फ्लाई बाय नाइट नहीं कोई सीटें मिलती, और मिल गई तो कोई एक मिल गई एंड दैट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड कि आप उसमें से सरकार बनाएंगे। तो मेजॉरिटी मुस्लिम वोट कहाँ जाता है, तो अब इसमें 3 भाग हैं, अगेन उत्तर प्रदेश के 3 भाग हैं, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। ईस्टर्न जो है मुस्लिम, वो ईस्टर्न सेगमेंट का जो मुस्लिम है वो अधिकांश तौर पर कांग्रेस को वोट करता था, और नहीं तो अल्टरनेटिव में वो समाजवादी को देता है। सेंट्रल यूपी समाजवादी का वोटर है, वेस्टर्न यूपी समाजवादी का वोटर है, माइनस 1-2 छोटी पॉकेट्स हैं जहां कांग्रेस का थोड़ा सा बोलबाला रहा है। तो मुस्लिम वोट्स की जब आप बात करते हैं तो वो बाकायदा इस समय समाजवादी पार्टी को जा रहा है। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि अखिलेश और राहुल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाए थे बीजेपी का। बिल्कुल सही, क्योंकि वो दोनों मिलके लड़े थे इसलिए ये प्रॉब्लम हुई थी। कभी कभी होता है कि आप एक फार्मूला ट्राई करते हैं और आप सक्सीड नहीं करते। अब मैं ये खुद मानता हूं कि कांग्रेस की बदौलत वहां पे समाजवादी पार्टी को थोड़ा डेंट आया था, लेकिन जो मोदी और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ था, जिसका श्रेय कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कुछ लोग चाणक्य बोलते हैं अमित शाह को, है नहीं, क्योंकि सारे जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थीं और अमित शाह जब प्रेसिडेंट रहे पार्टी के, सारी सरकारें उनकी हारी हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी की वेव पे चल करके आप अपने आप को चाणक्य बोल सकते हैं, होता चाणक्य यहाँ तो पता था आपको चीज़ क्या है। बट खैर, सवाल ये नहीं है, सवाल ये निकल के आ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब 2017 में साथ में मिलकर लड़े थे यूपी का असेंबली इलेक्शन, तो भारतीय जनता पार्टी को तो ऑलरेडी एंटी इनकम्बेंसी ऑफ समाजवादी मिल रही थी, बिल्कुल वो उस वेव पे जीते हैं। और ये ना भूला जाए कि जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी फुल मेजॉरिटी से बनी थी, जब समाजवादी के अखिलेश बने थे फुल मेजॉरिटी से बने थे, योगी आदित्यनाथ, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसमें मोदी ने योगी आदित्यनाथ को बना के बिठा दिया, वो भी फुल मेजॉरिटी से। अब 2022 में जो रिजल्ट आएगा, जो भी जीतेगा वो फुल मेजॉरिटी से ही जीतेगा। बिल्कुल, जो भी जीतेगा फुल मेजॉरिटी से जीतेगा, लेकिन ये सवाल उठने लगे हैं कि एक बार फिर से यूपी इलेक्शन आते आते देश का माहौल खराब करने की कोशिश होगी, मॉब लिंचिंग और इन तमाम चीज़ों का, और वसीम रिजवी का भी जो मामला था, बीजेपी का पूरा सपोर्ट उनको हमेशा रहता है ये कहा जाता है, आज उन पर रेप का आरोप भी लगा है, वसीम रिजवी पर किसी ने आरोप लगाया है, तो कहीं ना कहीं माहौल भी खराब करने के लिए इस तरह के कुछ लोगों को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, माहौल खराब किया जाएगा पूरा मॉब लिंचिंग और इस तरह से। देश का माहौल कब अच्छा रहा है पिछले 7 साल में? देश का माहौल खराब करना तो देशद्रोहियों का काम होता है अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए, बिल्कुल, लेकिन जनता ऊब गई है इन बातों से।
हमने देखा था मुजफ्फरनगर के दंगे कैसे कराए गए थे, बिल्कुल, और फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने लगभग 80% केस वापस भी ले लिए, बिल्कुल, उन्हीं लोगों के खिलाफ जो उस समय किए गए थे, अधिकांश हिंदू ही थे। लेकिन अब ये चीज़ नहीं चल रही उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अधिकांश लाशें भी हिंदुओं की मिली गंगा में। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यही वो योगी आदित्यनाथ, महंत योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने इतना बड़ा समाज कल्याण किया कि हजारों तो कम से कम दिखी, पता नहीं बाकी और कितने जीरो इसमें लगाने पड़ेंगे, ये तो राम जाने, ये तो राम जाने। बिल्कुल, इसलिए ये कहना, हम शहरी तरीके से ज़रूर कह सकते हैं शहरों में घूम के, लेकिन गांव देहात में जाके उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, अनाज नहीं है खाने के लिए, पैसे नहीं है जीने के लिए, चिताओं को आग लगाने के लिए पैसे नहीं है, लकड़ी नहीं है, नदियों में बहाया जा रहा है। ये अपने आप में कुछ सूचक है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप ये समझ लीजिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, अब ये सवाल पार्टी का नहीं है। क्या इतनी दुर्दशा के बाद, चाहे वो मोदी ने करी हो, योगी ने करी हो, रूपाणी ने करी हो, क्या आप में थोड़ी रत्ती भर की भी अकल आएगी, या आप आज की तारीख में रेत में मुंह घुसाड़ के सोचते हैं कि तूफान तो निकल जाएगा? ये अब आप नहीं सोच सकते, क्योंकि चिताएं आपके घर से भी चली हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।